आईसीसी विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले दोनों कप्तान फोटोशूट कराने के लिए अडालज वाव पहुंचे। इस जगह की संरचना किसी अजूबे से कम नहीं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भविष्यवाणी की है कि रोहित शर्मा सबसे वैल्यूएबल बल्लेबाज हैं और वे इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जोरदार बल्लेबाजी से नीचे के बल्लेबाजों का प्रेशर कम किया। फाइनल मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए उनके पास खास प्लान है। हालांकि उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उन्हें शमी से बचकर रहना होगा। कमिंस ने कहा कि पिच काफी अच्छी लग रही है, टूर्नामेंट में पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। भारत के पूर्व ऑलराउंडर और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह का मानना है कि भारतीय टीम जिस तरह से खेलते हुए आई है उसी क्षमता से खेलने पर उसे ट्रॉफी मिलेगी। युवराज के अनुसार बिना किसी गलती के खेलने पर टीम इंडिया को हराना संभव नहीं है। अहमदाबाद की पिच की जांच करते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में टीम के कप्तान पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ अपने फोन में पिच की फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिलेगा, इसको लेकर आईसीसी ने 9 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है, जिसमें भारत से 4, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 2-2, जबकि साउथ अफ्रीका से 1 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। भारतीय टीम से विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के अलावा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को नॉमिनेट प्लेयर्स में जगह मिली है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने मैच ऑफिशियल के नामों के ऐलान कर दिए। फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग की भूमिका रिचर्ड कैटलबरो और रिचर्ड एलिंगवर्थ निभाएंगे, जबकि जोएल विल्सन को तीसरे अंपायर के रूप में नामित किया गया है। वहीं जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी पॉयक्रॉफ्ट फाइनल मैच में रेफरी की भूमिका अदा करेंगे। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देने के बाद टीम इंडिया 16 नवंबर को अहमदाबाद पहुंच गई थी। इसके बाद 17 नवंबर को टीम के कुछ खिलाड़ी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभ्यास करने पहुंचे। इनमें कप्तान रोहित शर्मा के अलावा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। इसके अलावा रोहित ने हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ उस पिच का भी करीब से मुआयना किया जिस पर फाइनल मुकाबला खेला जाना। वनडे वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम दर्ज है। उन्होंने कप्तान के तौर पर साल 2019 के वर्ल्ड कप में 578 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो वे इस संस्करण में अब तक 550 रन बना चुके हैं। यानी रोहित शर्मा अगर 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले फाइनल में केवल 29 रन और बना लेते हैं तो वे केन विलियमसन से आगे निकल जाएंगे और बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक के मुख्य चयनकर्ता पद से इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व खिलाड़ी वहाब रियाज को टीम का नया चीफ सिलेक्टर बनाया है। वहाब रियाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। वहीं इस पद को संभालने के साथ वहाब रियाज का पहला काम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन करना है।